बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वन टीवी और मैं हूं अदिल मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। जीएचक्यू में 250वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। मुल्क में सैलाबी सूरतहाल का जायजा। आर्मी फॉर्मेशंस की जारी इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बारिशों सैलाब से कीमती जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। मुतासरीन की मुश्किलात को कम करने के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए, कोर कमांडर का आज। मुसलसल बारिशों और सैलाब ने सिंध में तबाही मचा दी। शहर के शहर डूब गए। कमरदादू, शहदादपुर, शिकारपुर, नवाबशाह, टंडू, अलीयार ज्यादा मुतासर हैं। मकानात गिर गए, माल असबाब बह गया, हंसते बसते घर उजड़ गए। मुसलसल बारिशों से बलोचिस्तान में हर तरफ पानी ही पानी। किला अब्दुल्ला, डेरा बुगटी, बारखान, मुसखिल में तोगयानी। मकानात गिर गए, माल असबाब बह गए, हंसते बसते घर उजड़ गए। जलमक्सी के दरिया मौला में ऊंचे दर्जे का सैलाब। योब, डी आई खान, शारा लैंड स्लाइडिंग के बायस गिर गए। फर्ज नहीं फर्ज निभाओ, मुतासरीन सैलाब के लिए आगे आओ। सिंध, बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन हालात के रहमो करम पर। मुतासरीन दो वक्त की रोटी को भी तरसने लगे। खाने को कुछ है ना, सर छुपाने को छत। मुतासरीन की दुहाई। सेवन शरीफ से आपको खबर दें। गांव शेर सुलंगी के दरार ज़दा रिंग बंद में शगाव। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक शगाव ज़दा रिंग बंद पानी का तेज़ रफ्तारी की वजह से गांव शहर सुलंगी में दाखिल। गांव के मकीनों में खौफ और हिरास। देहातियों ने घर खाली करना शुरू कर दिए। देहातियों ने घरों का सामान गाँव से मलिका सड़क पर रखना शुरू कर दिया। देहातियों की इंतजामिया से मदद की अपील। जतोई के नवाई इलाके लंडी पताफी में दरिया सिंध का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। दरिया सिंध के कटाव से कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। ज़िलाई और तहसील इंतजामिया और हुकूमती सतह पर मुतासरीन के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किए गए हैं और ना ही कोई रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। दरिया सिंध अरसा दराज से लंडी पताफी में कटाव कर रहा है, मगर अरसा दराज गुजरने के बावजूद दरिया सिंध पर सुपर बांध तामीर नहीं किया गया। सुपर बांध ना होने और कटाव की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हो चुका है। इलाका मकीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं। कई नकल मकानी कर चुके हैं। इलाका मकीनों ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और हुकामे बाला से दरिया सिंध लंडी पताफी के मकामों पर जल्द तामीर का मुतालबा किया है। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन सर्वसई ने कहा कि बुनियादी शहरी सहूलियात की फरहमी, शहरों को साफ रखना और खूबसूरती में इजाफा करना, आवाम को महंगाई से रिलीफ फराहम करना पंजाब हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। आवाम को महंगाई से रिलीफ दिलाने के लिए प्राइस मजिस्ट्रेट अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ करें और मंडियों में नीलामी के अमल की रोज़ाना मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने ये बात अपने दफ्तर में प्राइस कंट्रोल खाद की सरकारी डेट पर दस्तयाबी और अवामी फलाह बहबूद के लिए उठाए गए इकदाम के जायजा इजलास की सदारत करते हुए कही, जिसमें एडिशनल कमिश्नर कोआर्डिनेशन शफीक अहमद डोगा, तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर समेत तमाम मुतलका महकमों के डिवीजनल और ज़िलाई अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने सिविल लाइनों की सफाई और शजरकारी करने की भी हदायत दी और कहा कि इंतजामिया आवाम के साथ रबते में रहे ताकि लोगों को दरपेश मसाइल बारे आगाही हो और इन्हें फौरी हल किया जा सके। एसएसपी हैदराबाद अमजद अहमद शेख की खसूसी हदायत पर अमल दरामद करते हुए हैदराबाद पुलिस की जानब से बारिश से मुतासरीन की इमदाद का अमल जारी है। दही इलाकों में बारिश के पानी में फंसे लोगों की इमदाद का अमल जारी है। इस हवाले से एसएसपी हैदराबाद अमजद अहमद शेख की खसूसी हदायत पर पुलिस की अफसरान और जवान दही इलाकों में लोगों को खाने और पीने का साफ पानी फराहम कर रहे हैं और उनकी हर मुमकिन मदद को भी यकीनी बना रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ से जारी बारिश से हैदराबाद के बेशतर इलाके ज़ेर-आब आ गए हैं और शहरी इंतहाई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जबकि पुलिस और इंतजामिया लोगों की इमदाद और पानी की निकासी के लिए मसरूफ़ अमल हैं। एसएसपी हैदराबाद की जानिब से शहरियों से अपील की गई है कि वो घरों में खुद को महफूज रखें, गैर ज़रूरी बाहर निकलने से इजतनाब करें और किसी भी एमरजेंसी की सूरत में फौरी पुलिस और इंतजामिया से रब्ता करें। मोरेवाला में समाजी एनजीओ के ज़ेर एहतमाम ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें कपास की बेहतरी के लिए मास्टर ट्रेनर अमजद बशीर ने बताया कि आईपीएम किया है, इससे किस तरह नुकसान ज़दा कीड़ों से बचा जा सकता है, कपास के कीड़ों के हवाले से किसानों को आगाही फराहम करने के लिए जदीद तरीके से काम करना चाहिए। पूरे ज़िले में संगतानी आर्गनाइजेशन का फील्ड स्टाफ काम कर रहा है। मजीद कहा कि इससे बढ़कर किसानों को हर मुमकिन तआवुन फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पूरे स्टाफ की कैपेसिटी बिल्ड करने से फील्ड स्टाफ फील्ड में अपना रोल किरदार अदा करेगा। ट्रेनिंग में खवातीन एफएफ के साथ सीनियर फील्ड स्टाफ और सीनियर पीयू मैनेजर भी शरीक थे।
आगे बढ़े, आपको बताएं कि सजावल में नेशनल यूथ एम्पावरमेंट जिला सजावल के सदर जारून जुनेद रामो के जेर निगरानी में एक रोज़ा मुफ्त डेंटल चेकअप का कैंप का इनेकाद किया गया। गौम पटेल मोहम्मद उमर सांदद नज नंडी गोगड़ी में किया गया, जिसमें डेंटल सर्जन डॉक्टर अब्दुल अलीम रिजवान मेमन ने तमाम दांतों के मरीजों को मुफ्त इलाज किया और तमाम मरीजों को नेशनल यूथ एम्पावरमेंट की तरफ से मुफ्त मेडिसिन दी गई, जिसमें नेशनल यूथ एम्पावरमेंट के अहदेदारान अब्दुल समद तर्क, आबिद खासकेली, जुल्फकार अली खट्टी ने शिरकत की। कैंप के बाद गाँव के लोगों ने टीम नेशनल यूथ एम्पावरमेंट का बेहद शुक्रिया अदा किया और मुस्तकबिल में नेशनल यूथ एम्पावरमेंट के साथ ऐसे और भी मेडिकल रिलीफ कैंपों और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम करने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर नेशनल यूथ एम्पावरमेंट के प्रेसिडेंट ज़िला सजावल जारून जुनेद ने कहा कि इंशाल्लाह जितना हो सके हमारी ऑर्गेनाइजेशन से हो सकेगा वो तमाम सहूलियात अपनी गरीब आवाम को फराहम की जाएंगी। A1 TV से फिल वक्त इतना ही, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV सब पे नज़र, अंदर की खबर।